सो हेलो एवरीवन, मैं हूं नेमत और आप सभी नेमत खाना से जुड़े हुए हैं। आज की रेसिपी है पुदीना गुड़ और लौंग इलायची का शरबत। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, बहुत ही देसी इसका टेस्ट है। पुदीना और गुड़ डाइजेशन में मदद करता है, साथ ही आयरन और मिनरल से भरपूर होता है। लौंग और इलायची बार बार प्यास की तेज़ी को रोकता है, लू के असर को कम करता है और मूड को इन्हांस करता है, मूड को स्टेबल रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से देखें, मैं कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। पुदीना की पत्तियां फ्रेश बनी रहें इसके लिए मैंने इसे पानी में भिगो के रखा है। बेहतर यह है कि आप फ्रेश पत्तियां ही इस्तेमाल करें। बेजिल सीड्स का इस्तेमाल मैंने यहां पर किया है, ये भी मिनरल, आयरन और फाइबर से भरपूर होता है। तो शरबत बनाने से आधा घंटा पहले इसे भिगो दें ताकि ये अच्छी तरह से पानी एब्जॉर्ब कर ले। बेजिल सीड्स को तूत मलंगा या तुख्म बालंगा भी कहते हैं और ये एंशियंट टाइम से आयुर्वेदा में इस्तेमाल होता रहा है। पेट को आराम देने के लिए और कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता रहा है। और इसका सब्स्टिट्यूट चिया सीड्स है, जो कि आजकल वेस्टर्न कंट्री में बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो अगर ये सीड आपके पास नहीं है तो चिया सीड इस्तेमाल कर ले। बेजिल सीड्स अपने वॉल्यूम से 10 गुना ज़्यादा पानी होल्ड कर सकता है, तो लू के दिनों में इसको पीने से लू नहीं लगता। एक गुड़ का ढेला लें और उसे काट लें। इस तरह से काट कर हमें रेडी कर लेना है और शरबत में गुड़ की मिठास अपने पसंद के हिसाब से डालना है। बस गुड़ लेते वक्त ये ध्यान रखें कि बहुत ही साफ सुथरा और लाइट कलर का गुड़ ना लें, क्योंकि वो अक्सर ब्लीच किया हुआ होता है जो नुकसान करता है। काला गुड़ ही ज़्यादा बेहतर है। एक नींबू का रस हमें इस्तेमाल करना है, 3 लौंग और 3 इलायची हमने इस्तेमाल किया है। शरबत में हमें कुछ रोज़ पेटल का इस्तेमाल करना है, ये हमारे घर में खुद का लगाया हुआ पौधा है, तो 2-4 पत्तियाँ इसकी हमें इस्तेमाल कर लेनी है। ये खूबसूरत भी लगेगा और रोज़ पेटल का फ़ायदा भी है, ये शरबत को ठंडा रखता है। तो मैं यहाँ पर ये भी ले रही हूँ जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। एक साफ़ सुथरे धुले हुए क्ले पॉट का इंतज़ाम कर लेना है, जिसका एक ढक्कन भी है मेरे पास, और इसी में हमें अपने शरबत को ठंडा करना है। इसे मैं नेचुरल ढंग से ठंडा करने वाली हूँ, तो ये क्ले पॉट हमारे काम आएगा और पुराने वक्तों में भी ऐसा ही किया जाता था। और यहाँ पर हम एक चुटकी पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे, जो कि शरबत की मिठास को इन्हांस करता है और इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स भी होते हैं। शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हमें पानी को बॉईल करना होगा। इसके लिए मैंने 5-6 ग्लास पानी लिया है, ताकि 5-6 ग्लास शरबत बनाया जा सके। पानी में उबाल आने वाला है, तो यहाँ पर हम लौंग और इलायची डाल देने वाले हैं और फ्लेम को हमें धीमा कर देना है। हमें पानी को जलाकर कम नहीं करना है, बल्कि चीज़ों को इसमें इन्फ्यूज़ करना है। धीमी धीमी आंच पर इसे 5-7 मिनट तक पकने देना है। अब यहीं पर पुदीना की पत्तियां डाल देना। पुराने समय में हमारी नानियां और दादियां घर में ही शरबत और ठंडाई बनाया करती थी, मगर आजकल सारा सिस्टम ही आउटसोर्सिंग पर है। हम बाहर से जो शरबत, स्क्वैश या कोल्ड ड्रिंक्स लाते हैं, वो लोडेड विथ शुगर होते हैं। आर्टिफिशियल कलर, एसेंस और टेस्ट होता है, जो कि केमिकल से भरपूर होते हैं। ये हमें फ़ायदा तो क्या देंगे, उल्टे ही हमारी सेहत को पूरी ज़िंदगी के लिए बिगाड़ देते हैं। ये शरबत टेस्टी और हेल्दी तो है ही, साथ ही ये ज़ीरो बजट में तैयार हो जाता है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें 2 कौड़ी के होते हैं, जो कि लगभग हर के घर में हर वक्त मौजूद ही होता है। और लॉकडाउन ने इतना तो हमें सिखा ही दिया है कि हमें सब कुछ अपने घर में ही करना होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं 5 मिनट से ये हमारा शरबत इन्फ्यूज़ हो रहा है और काफ़ी अच्छा सा कलर इसमें आ चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे एक चुटकी नमक, पिंक सॉल्ट, बस इतना सा। और अब फ्लेम को कर देना है बंद और यहाँ पर हमें गुड़ डाल देना है।
गुड़ डालने के बाद बॉयल नहीं करना चाहिए, वरना गुड़ की बहुत सारी खूबी, बहुत सारे मिनरल्स ज़ाया हो जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ सौंफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गुड़ की जगह चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं, या ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है आप मिश्री इस्तेमाल कर लें। और जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो सैक्रिन इस्तेमाल कर सकते हैं, या सबसे अच्छा है जो लोग शहद इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने ग्लास में थोड़ी सी शहद डाल लें। आप चलाकर देख लें कि गुड़ घुला है या नहीं, और गुड़ के घुलने के बाद आप पैन को किसी ठंडी जगह पर रख दें ताकि ये ठंडा हो जाए। तो लगभग 1 घंटे के बाद हमारा शरबत जो है वो ठंडा हो चुका है, तो हम इसे मटके में छान लेते हैं। ये हमारा छोटू सा मटका है जो आज हमारे बहुत काम आ रहा है और मुझे बहुत खुशी मिल रही है। इसी के साथ मैं इसमें डाल देने वाली हूँ ये जो मैंने बेजिल सीड्स रखा था, और साथ में हमारे ये रोज पेटल्स जाएंगे। और देखिए ये कितना बेहतरीन हमारा शरबत तैयार हो गया है। तो दोस्तों, अगर इस तरह से हम मटके वाला ठंडा शरबत या पानी पिए तो हमें पेट की कोई बीमारी ही ना हो। दरअसल हम फ्रिज के ठंडे पानी या ठंडे शरबत पेट में डालकर पेट की जठर अग्नि को हम ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें डाइजेशन का भी प्रॉब्लम होता है और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। पेट में इतना टेम्परेचर होना ही चाहिए कि वो हमारे खाने को अच्छी तरह से डाइजेस्ट करा दे। तो रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ पानी या नेचुरल वे में जो ठंडा किया जाता है पानी, वो हमारे लिए सबसे बढ़िया है। और इसीलिए पहले के वक्तों में पेट की बीमारियां, ख़ास तौर से कैंसर, बहुत कम होता था। तो इस तरह से आप भी रखें, इसे ठंडा करें और फिर 4 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद इसे पिए और इसका लुत्फ लें। आपको पता चलेगा कि ये कितना मज़ेदार लगता है। और इसे रखने के लिए सबसे अच्छी जगह है जहाँ पर अंधेरा हो और ठंडा हो, या वहाँ पर जहाँ पर विंडो से ताज़ी हवाएं आती हों। इसे ढककर रखा जा सकता है। तो मैं इसे आपको ग्लास में सर्व करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों, इसे बनाएं, पिएं और पिलाएं और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। आपको इस गर्मी में इतनी राहत मिलेगी कि आप इस शरबत को भूल नहीं पाएंगे, और टेस्ट ऐसा कि इसकी आपको आदत पड़ जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। आप देख सकते हैं इसके कलर को भी आप एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।